उद्योगों की पुरानी रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। पीरागढ़ी में जूता फैक्ट्री का जायजा लिया हमारे सहयोगी रचना ने। तो अब हम पहुंच चुके हैं औद्योगिक इकाई के अंदर। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन 4 में कई तरीके की रियायत दी है, गैर जरूरी सामान की जो फैक्ट्रियां हैं उनको भी खोल दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा कि हेल्पर चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भी जरूर अपने घरों तक चले गए होंगे। इसी तरीके के बोर्ड जरूर जो फैक्ट्रियां हैं उनके बाहर नजर आ रहे हैं। अब हम अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरीके से ये फैक्ट्री में काम चल रहा है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है और जो मजदूर हैं उनके लिए भी खुशी की बात होगी कि फैक्ट्रियां आप खुल गई हैं, वो रोजी रोटी कमा सकेंगे, क्योंकि जो लोग पलायन कर रहे थे यहाँ से। तो अब हम उस फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जूते बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर आप सामने देखेंगे तस्वीरों में तो काम चल रहा है, और यहाँ जिस तरीके से काम चल रहा है जूते बनाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी फैक्ट्री नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पर्स हैं या जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या भी कम आ रही है। हालांकि सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में वर्कर्स की क्षमता कम रखने की अभी हिदायत दी है, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रीज में समस्या ये आ रही है कि हेल्पर्स या तो यहाँ से जा चुके हैं या फिर उनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है कि वो किस तरीके से फैक्ट्रियों में पहुंचे। ये भी बड़ी समस्या है, और आर्थिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करना है, और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी जरूर ये खुशी की बात है कि जब काम शुरू होगा तो जो उनकी रोजी रोटी है वो भी शुरू हो जाएगी। और जो कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है, लाखों